Hello friends, welcome to Wikipedia. This is Ramesh, and from today we are going to start a very important series for UPSC Civil Services Examination, and this series would be relevant and important both for your prelims as well as mains GS paper 1. So today the personality which we are going to discuss, जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं आज, वो है विनायक दामोदर सावरकर. और आपको पता ही होगा कि ये पर्सनालिटी आजकल काफी चर्चे पे है. दिस पर्सनालिटी इन न्यूज नाउअडेज वेरी मच. ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट. तो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये भी चीज बता दूं कि द स्टडी ऑफ द इंडियन मॉडर्न हिस्ट्री वुड बी इनकम्प्लीट विदाउट नोइंग अबाउट सावरकर. ठीक है, बिकॉज ही इज एन आइकॉनिक फिगर. बहुत लोगों के ये आइकॉन भी हैं, एंड बहुत लोगों के नजर में इनकी पर्सनालिटी एक नेगेटिव रोल भी प्ले करती है या कर चुकी है. तो लेट्स सी कि एक्चुअली में बातें क्या हैं. और आपको ये जानना है कि आपको ये सीरीज जो हमने स्टार्ट की है, ये सीरीज की यूज कैसे करना है यूपीएससी एग्जामिनेशन में. ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट. तो विनायक दामोदर सावरकर वॉज एन आइकॉनिक फिगर एंड अ रेवोल्यूशनरी लीडर टू. ठीक है, और क्रिटिक्स का मानना है कि हिज आइडिया ऑफ हिंदुत्व वॉज डिवाइसिव, बट पॉलिटिकल थिंकर्स का यह मानना है कि हिज पुश टुवर्ड्स हिंदुत्व एंड नॉट हिंदुइज्म वॉज एन अटेम्प्ट टू गिव एन आउटलेट टू द सोशल एंड पॉलिटिकल ग्रीवांसेस ऑफ द सोशल एंड पॉलिटिकल ग्रीवांसेस अमंग द हिंदू कम्युनिटी. ठीक है, इनके दो पहलू हैं, क्रिटिक्स का कुछ मानना है और पॉलिटिकल थिंकर्स का कुछ मानना है. तो इसके लिए इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड सावरकर, इनकी जितनी भी कंट्रीब्यूशन हैं, इनको हमने एक अलग अलग एस्पेक्ट में डिवाइड कर दिया है. जैसे कि इंट्रोडक्शन, अर्ली लाइफ, इनकी पॉलिटिकल थिंकिंग एंड कंट्रीब्यूशन, इनकी सोशल कंट्रीब्यूशन, इनकी फिलॉसफी, और आफ्टर इंडिपेंडेंस व्हाट वाज हिज कंट्रीब्यूशन. तो लेट्स स्टार्ट ऑफ विद द फर्स्ट वन, दैट इज इंट्रोडक्शन. व्हेन आई से इंट्रोडक्शन, देन ही वाज अ मल्टीफैसेटेड पर्सनालिटी. जैसे कि ही वॉज अ रेवोल्यूशनरी लीडर, ही वॉज अ फ्रीडम फाइटर, ही वॉज अ राइटर, ही वॉज अ प्ले राइट, he was a philosopher, and most importantly he wrote extensively in English and in Marathi. Bahut likha inhone all his life, always he was continuously was writing, hamesha likh rahe the ye. When he was in jail also, in cellular jail, at that point in time also he used to write on the walls of that jail. ठीक है, कंटिन्यूअसली लिखा है इन्होंने पोएट्री. जब वो जेल में थे तो जेल पे के दीवारों पे इन्होंने पोएट्रीज लिखी हैं. ठीक है, तो ही वाज अ मल्टीफैसेटेड पर्सनालिटी. हर तरह का लीडर भी थे, रेवोल्यूशनरी लीडर भी थे, फ्रीडम फाइटर भी थे, ही वाज अ एकॉम्प्लिश राइटर ऑल्सो, पोएट ऑल्सो. तो मल्टीफैसेटेड पर्सनालिटी थे. नेक्स्ट, दैट इज हिज अर्ली लाइफ. अब इनकी अर्ली लाइफ के बारे में बात करते हैं. तो अर्ली लाइफ के बारे में जब हम बात करते हैं, तो इनकी पैदाइश हुई है एक कस्बे में, नासिक डिस्ट्रिक्ट के एक कस्बे में इन महाराष्ट्र, और एक जागीरदार फैमिली में इनकी जन्म होती है. ठीक है, और बहुत ही अर्ली एज में, एट द एज ऑफ 7, ये अपने माता पिता को खो देते हैं, और उसके बाद इनका ख्याल इनके बड़े भाई रखते हैं. 1901 में ये मैट्रिकुलेशन पास करते हैं, और फिर उसी साल He is married to Yamuna Mai. उसके बाद 1902 में joined Ferguson College, Pune. 1905 pass out. 1902 में Ferguson College join करते हैं, और 1905 में BA की examination वो pass करते हैं, means उसकी bachelor degree complete हो जाती है. फिर 1906 में वो London चले जाते हैं for his further studies, to study law. London चले जाते हैं वो law पढ़ने के लिए. और फिर वो लंदन जब जाते हैं, तो वहां वो मिलते हैं लाला हरदयाल से, जो ऑलरेडी वहां पे एस्टैब्लिश्ड रहते हैं इंडियन हाउस में, और इंडियन हाउस के केयरटेकर रहते हैं वो. वहां जाके वो उनसे मिलते हैं और फिर वहीं पे रहने लगते हैं.
उसके बाद सावरकर फ्री इंडिया सोसाइटी स्टार्ट करते हैं, फ्री इंडिया सोसाइटी स्टार्ट करते हैं, और वो फ्री इंडिया सोसाइटी को स्टार्ट करने के बाद उसके अंदर वो बहुत सारी चीजें करते हैं, बहुत सारी एक्टिविटीज स्टार्ट करते हैं, जैसे कि वीकली मैगजीन्स, फिर रिलीजियस गैदरिंग्स, फिर फेस्टिवल्स को सेलिब्रेट करना, या इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज जो रह चुके हैं उनको उसके उनके लाइफ को सेलिब्रेट करना, या उनके बर्थ एनिवर्सरी या डेथ एनिवर्सरी को सेलिब्रेट करना, ये सारी चीजें चलती हैं जस्ट टू अरोज द नेशनल अवेकनिंग, जस्ट टू अवेकन द नेशनलिज्म विद इन द सोसाइटी और विद इन द पीपल ऑफ इंडिया, ठीक है। उसके बाद 1909 में मदन लाल ढिंगरा, जो इनके फॉलोअर रहते हैं, सावरकर के फॉलोअर रहते हैं, वो कर्जन विली को शूट कर देते हैं, ही शॉट डेड कर्जन विली इन लंडन। और उसके बाद 1910 में जब सावरकर पेरिस से लंडन वापस आ रहे होते हैं, तब इन्हें अरेस्ट कर लिया जाता है, क्योंकि ये इस इंसिडेंट के बारे में इन्होंने बहुत एक्सटेंसिवली लिखी थी, कुछ आर्टिकल्स लिखी थी, और इसके वजह से उन्हें अरेस्ट कर लिया जाता है और उसे फिर इंडिया लाया जाता है। तो इंडिया जब ला रहे होते हैं तो फिर जिस शिप से ला रहे होते हैं वो शिप की थोड़ी मरम्मत के लिए या थोड़ी इसकी सर्विसिंग के लिए एक जगह पर रोका जाता है, ठीक है, और वहां से फिर वो एक उसे बोला एपिक एस्केप बोला जाता है कि वहां से वो भागने की कोशिश करते हैं, एक पॉट होल से वो निकल के वो भागने की कोशिश करते हैं। हालांकि वो वहां से निकलते हैं, फिर 10-15 मिनट समुद्र पर तैरते हुए जाते हैं, फिर समुद्र उससे निकलने के बाद फिर भागते हैं, निकल के वहां से फिर दौड़ते हैं, लेकिन बाद में फिर वो पकड़े जाते हैं और अनसक्सेसफुल हो जाती है उनकी एस्केप, फिर वो पकड़े जाते हैं। और 1910 में फिर सेंटेंस टू ट्रांसपोर्टेशन फॉर लाइफ, ठीक है, उन्हें इंडिया लाया जाता है, फिर उनसे लाइफ सेंटेंस की सजा मिल जाती है। फिर 1911 में ही एंटर्ड सेलुलर जेल इन अंडमान, फिर उन्हें अंडमान भेज दिया जाता है काला पानी की सजा के लिए। और वहीं पे जब वो रहते हैं तो एक्सटेंसिवली, मैंने जैसे कि मैंने आपको बताया कि दीवारों पे वो लिखते हैं अपनी, उनकी क्या फिलोसफी है, उनकी क्या थिंकिंग है, उनकी जो थॉट प्रोसेस, उनकी जो पोइट्रीज है, वो सारे वो वहां पे लिखते हैं। और 1921 में ही इज फ्रीड फ्रॉम दैट जेल, फिर 1921 में उन्हें छोड़ दिया जाता है और उनके उन्हें ये इंस्ट्रक्शंस भी दी जाती हैं कि आप अपने रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज में और इन्वॉल्व नहीं होंगे, आपको इनकी रेवोल्यूशनरी जो एक्टिविटीज है उनसे टोटली अलग रहना है, और फिर ये कुछ कंडीशंस, कुछ शर्तें रखी जाती हैं उनके सामने और फिर उसे छोड़ दिया जाता है। तो ये थी उनकी अर्ली लाइफ। नेक्स्ट, इनकी फिलॉसफी क्या थी, व्हाट वाज हिज फिलॉसफी, इनका मानना क्या था, ये क्या फिलॉसफी थे। तो ही बिलीव्ड इन डेमोक्रेसी एंड ही बिलीव्ड इन डेमोक्रेटिक एंड सेक्युलर स्टेट, वो एक डेमोक्रेसी चाहते थे, एक सेक्युलर स्टेट चाहते थे। एडवोकेटेड द साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर प्रोग्रेस ऑफ मैनकाइंड, एडवोकेट साइंस एंड टेक्नोलॉजी प्रोग्रेस ऑफ मैनकाइंड की जब मैं बात करता हूं तो वो ये चाहते थे कि हमारे देश में जो कमियां हैं हम उसे खत्म करें या उसे पूरा करें, उसे ओवरकम करें, और हमारे देश के बाहर जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं उसे हम अपनाएं फॉर द बेटरमेंट ऑफ आर नेशन एंड फॉर दी नेशन बिल्डिंग, जो हमारे देश के बाहर जो डेवलपमेंट्स हो रही है उसे हम अक्वायर करें। दिस वॉज हिज फिलोसफी, ये मानना था उनका, ये सोच थी उनकी। ही बिलीव्ड इन फाइनेंशियल इक्वालिटी, बिलीव्ड इन फाइनेंशियल इक्वालिटी मीन वो ये नहीं चाहते थे किसी भी तरह का इनइक्वालिटी फाइनेंशियली समाज पे हो, क्योंकि अगर इनइक्वालिटी समाज पे है तो वही वो सारे प्रॉब्लम की जड़ वही है, दैट इज द रूट कॉज ऑफ ऑल द प्रॉब्लम्स। तो वी नीड टू मिनिमाइज द फाइनेंशियल इनइक्वालिटी। नेक्स्ट इज फॉर्म्ड हिज ओन डेफिनेशन ऑफ नेशनलिज्म, इनके लिए नेशनलिज्म का मतलब कुछ और ही था, ही हैड अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव ऑफ नेशनलिज्म, ठीक है। हिज नेशनलिज्म थोड़ी अग्रेसिव भी थी, थोड़ी एक्सट्रीम भी थी, बट ही हैड अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव ऑफ नेशनलिज्म, नेशनलिज्म का मतलब ही उनके लिए अलग था, ठीक है। जैसे कि हम देखते हो, वी विल सी टू इट इन द नेक्स्ट स्लाइड्स व्हेन वी विल डिस्कस द पॉलिटी ऑफ सावरकर। नेक्स्ट, सोशल रिफॉर्मर, व्हेन आई से सोशल रिफॉर्म्स या सोशल रिफॉर्मर्स, सोशल रिफॉर्म्स के लिए या सोसाइटी के लिए हिज कंट्रीब्यूशन वॉज रियली वेरी इमेंस, एंड स्पेशली फॉर द डाउनट्रोडन्स, द पीपल इन द लोअर स्ट्रैटम ऑफ द सोसाइटी, दैट इज शूद्र एंड ऑल एंड अनटचेबल्स, बहुत ही इमेंस कंट्रीब्यूशन है इनकी सोशल रिफॉर्म्स में।
बहुत ही ज़्यादा ये चाहते थे कि हमारे समाज में ये सारी चीज़ें ना हो, इनइक्वालिटी प्रिवेल ना करे, किसी भी कम्युनिटी को सप्रेस ना किया जाए, जस्ट किसी को भी अनटचेबल्स ना बोला जाए। और इससे रिलेटेड वो हमेशा आफ्टर 1921, आफ्टर 1921 जब वो जेल से बाहर निकलते हैं, जेल से बाहर निकलने के बाद सोशल रिफॉर्म्स के लिए इन्होंने बहुत सारे काम किए हैं, बहुत सारे काम किए। ही वॉन्टेड टू ब्रिज द डिवाइड बिटवीन द अपर कास्ट एंड द लोअर कास्ट। और इनका ये मानना था कि ये ऊंच नीच, छोटा बड़ा कुछ नहीं, ये सारी चीज़ें नहीं होती। दिस इज टोटली इरेशनल, दीज प्रैक्टिसेस आर इरेशनल, ये सोच ही इरेशनल है। और बहुत सारे काम करे इन्होंने। तो इनके फर्स्ट पॉइंट देखते हैं हम कि क्रिटिसाइज द सेवन सैकल्स दैट अंडरमाइंड हिंदू सोसाइटी। व्हेन आई से क्रिटिसाइज द सेवन सैकल्स, तो सेवन सैकल्स जैसे कि प्रोहिबिशन ऑफ टच, इंटर डाइनिंग, इंटर कास्ट मैरिज एटसेट्रा विद सर्टेन कास्ट, ये सारी चीज़ें हमारे समाज में बहुत ज़्यादा थी उस टाइम पीरियड पे। तो ये चाहते थे कि ये सारी चीज़ें ना हो, ठीक है, ये सारी चीज़ें ना हो। और ये सारी चीज़ें, अगर ये सारी चीज़ हमारे समाज पे रहती है, इफ दिस थिंग्स आर प्रिवेलिंग इन अ सोसाइटी, देन इंडिया विल नेवर बिकेम अ वेलफेयर स्टेट, कभी नहीं बन सकती। तो ये सारी जो बाइगोट्रीज थे इनके खिलाफ थे, ये ऑलवेज चेस्टाइज दिस काइंड्स ऑफ प्रेजुडिसेस एंड बाइगोट्रीज। नेक्स्ट, ही रिजेक्टेड द नोशंस ऑफ प्रेइंग काउज अंडर रिलीजियस एम्बिट एंड कंसिडर्ड इट सुपरस्टिशियस। उनका ये मानना था कि गाय एक भगवान का रूप ना दें, उसे ना पूजें आप, ठीक है। तो आज अगर सावरकर को मानने वाले भी जो लोग हैं, इफ सावरकर इज एन आइकॉन फॉर देम, तो उन्हें यह पता होनी चाहिए कि ही रिजेक्टेड द नोशंस ऑफ प्रेइंग द काउस, ठीक है। वो काउ को बोलते, वो ये मानते थे कि आप उसकी देखभाल करिए क्योंकि उससे हमें बहुत फायदा है, वो बहुत चीजें हमें प्रोवाइड करती है, ठीक है, वो, लेकिन उसे आप भगवान ना बनाए। तो ये उनकी सोशल रिफॉर्म्स। नाउ पॉलिटिकल लाइफ, जब हम उनकी पॉलिटिकल लाइफ के बारे में बात करते हैं तो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि जस्ट कि क्रिटिक्स का क्या व्यू था इनके ऊपर और पॉलिटिकल थिंकर्स इनके ऊपर क्या बोलते थे। और इनकी जो पॉलिटिकल, जो कॉन्ट्रोवर्शियल जो पार्ट है वो पॉलिटिकल लाइफ ही है इनकी, जो बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रोवर्सीज में रही है। और आज भी इनके बारे में जब बात होती है तो ये सारी चीज़ें सामने आती हैं। तो विल डिस्कस वन बाय वन व्हाट एक्चुअली वाज हिज पॉलिटिकल लाइफ, ठीक है। तो इन 1904 ही फाउंडेड अभिनव भारत। अभिनव भारत एक रेवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन होती है, एक क्रांतिकारी संगठन जो ये स्टार्ट करते हैं 1904 में। और 1952 में इस ऑर्गेनाइजेशन को डिसॉल्व कर दिया जाता है। 1905 में स्वदेशी मूवमेंट जब चल रही होती है, ही पार्टिसिपेटेड फ्रॉम हिज कॉलेज, फर्गुसन कॉलेज से वो पार्टिसिपेट करते हैं, अपने दोस्तों को इकट्ठा करते हैं और वहाँ पे जो फॉरेन गुड्स होते हैं, फॉरेन से आए हुए जो कपड़े होते हैं उनकी एक बॉनफायर लगाते हैं, उन्हें जलाते हैं और स्वदेशी मूवमेंट को सपोर्ट करते हैं। नेक्स्ट, ही फाउंडेड द फ्री इंडिया सोसाइटी इन लंडन। जब वो लंडन जाते हैं, लंडन जाने के बाद वो वहाँ पे फ्री इंडिया सोसाइटी फाउंड करते हैं। ही फाउंडेड द फ्री इंडिया सोसाइटी। और फ्री इंडिया सोसाइटी का काम ये होता है कि वो जस्ट वीकली मैगजीन्स निकालना, गैदरिंग्स करना, हमारी फेस्टिवल्स को सेलिब्रेट करना, हमारे जो इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज हैं उनको सेलिब्रेट करना। तो ये सारी चीज़ें चल रही होती हैं, जस्ट टू अराउज द फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म विद इन दैम एंड टू शो द ब्रिटिश गवर्नमेंट कि दैट हम अभी तक, हमारे अंदर नेशनलिज्म है, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको बताया था, ही हैड अ डिफरेंट मीनिंग ऑफ नेशनलिज्म, ठीक है। नेक्स्ट, इन 1901 ही कॉल्ड रिवोल्ट ऑफ 1857 एज द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। लंदन पे जब ये होते हैं तब ये एक बुक लिखते हैं, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। देखिए, ब्रिटिश ने कभी ये नहीं माना कि रिवोल्ट ऑफ 1857 वाज द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, बट सावरकर वाज द फर्स्ट पर्सन हु प्रोपाउंडेड दैट द रिवोल्ट ऑफ 1857 वाज नॉट ओनली अ सिपाही म्यूटिनी, इट वाज अ फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस अगेंस्ट द टिरनी ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट, ठीक है। तो ये थ्योरी को प्रोपाउंड करने वाले सावरकर ही थे, सावरकर ने ही ये टर्म कॉइन किया था कि फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, रिवोल्ट ऑफ 1857 वाज द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। और एक इसके ऊपर एक किताब भी लिखी, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, जो कि ब्रिटिश उसे बैन कर दिया था उस किताब को, बट
सीक्रेटली फॉर 38 ईयर्स, 38 साल तक ये किताब हमारे इंडिया पे, ये बुक 38 साल तक लोग गुप्त तरीके से सीक्रेटली लोगों के पास ये जाती थी और लोग ये पढ़ते थे. और जितने भी फ्रीडम फाइटर्स थे, मोस्टली जैसे कि सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, सब ने इस किताब को पढ़ा है, सब ने इस किताब को पढ़ा और इस किताब को सराहा भी है, ठीक है. और ये किताब मराठी लैंग्वेज में प्रिंट हुई थी, फर्स्ट टाइम पे मराठी लैंग्वेज में लिखा गया था इस किताब को. नेक्स्ट, ही कॉइंड एंड पॉपुलराइज्ड हिंदुत्व. हिंदुत्व वर्ड जो है ये इन्होंने ही निकाला था. एंड हिज आइडिया ऑफ हिंदुत्व, जैसा कि मैंने आपको बताया कि एज पॉलिटिकल थिंकर सेज कि हिज आइडिया ऑफ हिंदुत्व वो क्या था, वॉज नॉट हिंदुइज्म, वॉज नॉट एन वॉट नॉज हिंदुइज्म बट वॉज एन अटेम्प्ट बट वॉज एन अटेम्प्ट टू गिव एन आउटलेट टू द सोशल एंड पॉलिटिकल ग्रीवांसेज अमंग द हिंदू कम्युनिटी. ठीक है, ये हिंदुत्व उनके लिए कोई धर्म नहीं था, हिंदुत्व उनके लिए एक आइडिया था, वे ऑफ लाइफ, कि पीपल लिविंग इन इंडिया व्हाट शुड बी देयर वे ऑफ लाइफ. तो ये हिंदुत्व वही था कि वे ऑफ लाइफ हिंदुत्व. और दिस टर्म वॉज कॉइंड बाय सावरकर ओनली, फर्स्ट टाइम इट वॉज कॉइंड एंड पॉपुलराइज बाय सावरकर. ठीक है, नेक्स्ट, ही वॉज द फर्स्ट एक्सपाउंडर ऑफ हिंदू राष्ट्र. जिस चीज के ऊपर आज डिबेट्स चल रही होती हैं, डिस्कशन चल रही होती हैं कि ये ट्यूनिशन थ्योरी कहाँ से आई, किसने दिया नहीं दिया, आपने देखना, आपने देखा भी होगा कि आज के टाइम पे ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा चर्चे पे हैं. तो ही वॉज द फर्स्ट एक्सपाउंडर ऑफ हिंदू राष्ट्र. वो चाहते थे कि हिंदू राष्ट्र बने, और हिंदू राष्ट्र बने और कैसा हो, ये सारी ही सावरकर वॉज द फर्स्ट एक्सपाउंडर ऑफ हिंदू राष्ट्र. ही ऑल्सो प्रोपाउंडेड द टू नेशन थ्योरी. He was the first one to propound the two nation theory. ठीक है, two nation theory की जो two nation theory आई है, ये two nation theory भी सावरकर ने ही start की थी. और ये सारी चीजें हैं जो उनकी character को थोड़ी controversial बनाती हैं, but ये critics का मानना है, लेकिन political thinkers का कुछ और मानना है. ये दो पहलू हैं इसके. मैंने आपको पहले ही कह दिया lecture के starting में, मैंने कहा कि critics का क्या मानना है और political thinkers का क्या मानना था. बट ये सारी चीजें, ही वॉज द फर्स्ट एक्सपाउंडर ऑफ हिंदू राष्ट्र, ये बिल्कुल सही बात है, उन्होंने ही एक्सपाउंड किया था. ही ऑल्सो प्रोपाउंडेड टू नेशन थ्योरी. ही वॉज पायनियर इन एस्टैब्लिशिंग हिंदू महासभा एंड बिकेम प्रेसिडेंट फ्रॉम 1937 to 43. ठीक है, हिंदू सभा की स्थापना में, इन द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द हिंदू महासभा, ही वॉज पायनियर इन एस्टैब्लिशिंग दैट, एंड 1937 से 43 तक उसके प्रेसिडेंट भी रहे. He was a fierce critic of INC and hostile to Gandhi. देखिए, ये चीज तो बिल्कुल स्पष्ट है कि he was always against the philosophy of INC. कांग्रेस के हमेशा खिलाफ ही रहे हैं वो. ठीक है, और गांधी के भी खिलाफ हो रहे हैं. और ये चीज हमें सबसे पहली बार देखने को तब मिली जब नन कॉपरेशन मूवमेंट चल रही थी. और नन कॉपरेशन मूवमेंट के बाद सावरकर ने गांधी को अपोज किया, एंड ही सेड कि गांधी इज फॉलोइंग एन अपीजमेंट पॉलिसी, इज ट्राइंग टू अपीज द मुस्लिम पॉपुलेशन. और वो गांधी के अगेंस्ट में अगेंस्ट चले गए या गए या बातें की. और आईएनसी के खिलाफ वो हमेशा ही थे. ठीक है, इन 1939 कोऑपरेटेड विद मुस्लिम लीग टू फॉर्म गवर्नमेंट इन सिंध, बंगाल एंड NWFP. जब 1913 की बात करें, 1937 के जनरल इलेक्शंस के बाद कांग्रेस की जितनी भी गवर्नमेंट होती है सारे प्रोविंसेस में, दे डिसाइड टू रिजाइन, वो गवर्नमेंट से दे डिसाइडेड टू रिजाइन कि हम गवर्नमेंट में नहीं रहेंगे, हम सरकार छोड़ देंगे, हम नहीं चलाएंगे. बट एट दैट पॉइंट इन टाइम ये हिंदू महासभा एंड मुस्लिम लीग दे कोऑपरेटेड विथ ईच अदर टू फॉर्म द गवर्नमेंट इन सिंध, बंगाल एंड NWFP. ठीक है, तो ये चीज कुछ चीज़ें हैं जो आपको ध्यान पर रखनी है, और उसके बाद से एनालाइज, उसके बाद यू नीड टू एनालाइज कि एक्चुअली व्हाट वाज द केस. ठीक है, लास्ट, ही वाज अक्यूज्ड इन द असैसिनेशन ऑफ गांधी बट वाज अक्विटेड. गांधी की असैसिनेशन के लिए उन्हें अक्यूज भी किया गया था, उन्हें हिरासत में भी लिया गया था उन्हें, लेकिन कुछ दिन बाद ही या कुछ साल बाद ही उन्हें फिर छोड़ दिया जाता है. एंड ही वॉज अक्विटेड फ्रॉम ऑल द चार्जेस, और उन्हें छोड़ दिया जाता है. और उन्हें छोड़ दिया जाता है. और उसके बाद फिर 1966
1966 इनकी मौत हो जाती है, और 1970 में बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंदिरा गांधी इनके नाम पे एक पोस्टल स्टैम्प जारी की जाती है, और फिर 2003 पे ड्यूरिंग द एनडीए गवर्नमेंट हिज पोर्ट्रेट वॉज अनवील्ड इन द पार्लियामेंट हाउस, उनकी पोर्ट्रेट को भी अनवील किया जाता है पार्लियामेंट में बाय द एनडीए गवर्नमेंट इन 2003. तो दैट्स ऑल अबाउट वीर सावरकर, एंड होप सो आप लोगों को ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा. एंड फॉर द रेगुलर अपडेट्स हम आप प्लीज़ अभिपीडिया चैनल को फॉलो करते जाइए, क्योंकि हर वीक एवरी वीक यू आर गोइंग टू गेट सम कंटेंट ऑन द पर्सनालिटीज फॉर प्रिलिम्स. हर वीक आपको मिलेगी ये सारी चीज़ें, और प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर, एंड डू नॉट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन. थैंक यू.